गर्मा गर्म पकौड़े। मौका भी है ते दस्तूर भी। पाप सौण दा महीना है ते मीच पकौड़े खान दा अपना ही स्वाद है। पर जिन्हां पकौड़ियां दी गल असी कर रहे हां उन्हां तुसी कदे खादे होणे ते ना ही सुणे ते वेखे। तुसी भी सोच रहे होवोगे कि अजिहे किहड़े पकौड़े ने। शख्स पकौड़े काढ रहे ते इसदा ढंग भी ओही है कि पकौड़े बनाउण लई तले जांदे ने ते ओही ओ कर रहा है। नहीं जनाब, खा गए ना धोखा। मन्या शख्स पकौड़े तल रहा है पर इना पकौड़िया विच जो मटेरियल पाया जा रहा है वो है ठंडी ठंडी आइसक्रीम। हैरान हो गए ना, आइसक्रीम? ए माजरा की है, पकौड़े वो भी आइसक्रीम वाले? जी हाँ, सही समझे तुसी, आइसक्रीम वाले पकौड़े जो संगरूर शहर दे विच बहुत ही मशहूर ने ते लोग दूरों दूरों ए आइसक्रीम वाले पकौड़े खाण आंदे ने। जेड़े बंदे ने नहीं खादे वो खा के देखन एक बारी। पकौड़ा बहुत लाभदार है और स्पेशल डिश है भी। ये पकौड़ा तुसी खा के देखोगे तो तुसी कहोगे वाकई में चीज है। एक गर्म आइसक्रीम गर्म पकौड़े के अंदर बनाई जाती है, जब भट्टी में डाली जाती है तो देख लो पिघलती नहीं है और बहुत अच्छी टेस्टी चीज़। मैं दो तीन बारी आ चुका सर, कुछ रिश्तेदारों ने नाल लेके आया जो उन्होंने स्पेशल डिश यही दिखाई थी। असी पहली बार आया सी, पहली बार टेस्ट बहुत वधिया लग्या। अगे तो आवांगे फिर लैके फैमिली लैके आवांगे। फिर किसी ने दस्या कि तुम आप पता लग गया सानू ये गल तक तेरी सुन रहे थे भी पकौड़े मिल जाए उत्थे, बट टाइम ही लगे। परिवार नूं लैके आऊंगे, पक्का लैके आवां परिवार नूं। दुकान के मालिक मुताबिक उन्होंने आइसक्रीम के पकौड़े बनाने का सुझाव एक पंजाबी कैसेट कुल्फी गर्मा गर्म तो आया सी। बस उसे नु ध्यान च रख के उन्होंने तजर्बा किया अते वो कामयाब हो गए। उन्होंने पकौड़े इन्ने मशहूर ने कि जो कोई विदेश तो संगरूर शहर च आंदा है तो वो भी उन्होंने दुकान से ये आइसक्रीम वाले पकौड़े खान जरूर आंदा है। इन्हों का पकौड़े बनाने का ढंग बहुत ही सादा है। आइसक्रीम नु बेसन के कोल च लपेट के गर्म तेल च सुट देते हैं, पकौड़ा तैयार। ते जदों गाहक पकौड़ा खांदा है तां विच्चों निकलदी है ठंडी ठंडी आइसक्रीम। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਸ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਬਣਾਣੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਣੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ? ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛਿੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 19 ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 21 ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਾਇਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ? ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੀਰਕਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ।